हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी अभी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने के लिए निकले हैं। हम आपको बता दें कि एलजी से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी की सुबह 11:30 बजे एक बैठक भी होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि ये जो बैठक है ये महज औपचारिकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो मुख्यमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम ही चुना जाएगा। लेकिन अभी अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, निकल चुके हैं। अंजलि सिंह मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रही है। अंजलि, क्या ये मुलाकात शुरू हो गई है, पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल? जी शोभना, देखिए बस यहाँ से अरविंद केजरीवाल के घर से उपराज्यपाल निवास तक बमुश्किल 5 मिनट का वक्त लगता है और अब तक वो पहुंच ही गए होंगे। और ये जो मीटिंग है, आपको बताएं, एक औपचारिक मीटिंग है, जाकर वो एलजी से मिलेंगे। उसके बाद 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसके बाद एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दोपहर 1 बजे मनीष सिसोदिया करेंगे, जिसमें जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उससे जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। हालांकि जितना हमारे सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल इस बार शपथ ले सकते हैं। और इसके साथ ही उसी रामलीला मैदान में तैयारियां की जाएंगी, जहां पर पिछली साल 2015 में जब वो चुनाव जीते थे और 14 फरवरी को उन्होंने वो सब शपथ ग्रहण समारोह किया था, तो इस बार 16 फरवरी की तैयारियां हैं, जितना हमारे सूत्र में जानकारी दे रहे हैं। और अब ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जैसे ही अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल निवास पहुंचे उसके साथ ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है अंजलि। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।